मुझे लगता है कि पायल आंटी के साथ साथ बहुत सारे लोगों के शुक्राने भी हैं आज ना, कि कैसे कैसे मन में अरदास लेके लोग बैठ रहे हैं। कोई तो कहते हैं मैं शुक्राना करने का सत्संग कर रहा हूँ, कोई कहते हैं मुझे अरदास करनी है। पहले भी शेयर करवाया गुरु जी ने कि अगर हमें अपना शुक्राना करना होता है ना, हमें लगता है कि हमारा ये काम नहीं पूरा हो रहा, हम गुरु जी आप हमारा ये काम कर दो तो हम आपका शुक्राना करेंगे, हमारा बेबी हो जाए, हमारी शादी हो जाए, हमारा काम हो जाए, हमारा बिजनेस चल जाए, बच्चों के पेपर क्लियर हो जाए, बच्चे आईएएस बन जाए, कितनी चीजें, बीमारी ठीक हो जाए, कैंसर ठीक हो जाए, ये कर दोगे तो हम शुक्राना करेंगे। कितने हम ना शुक्रे हैं कि वो हमारा काम करेंगे तो हम शुक्राना करेंगे। तो अगर वो हमारा काम नहीं कर रहे तो हम क्या उनका शुक्राना नहीं कर सकते? पर इंसान है ना, ह्यूमन, इंसानी चोले में जो हम आए हैं ना इस दुनिया में, हम हैं ही ऐसे। भगवान ने हमें पता नहीं बनाया तो ऐसा नहीं था, मैं नहीं बोलूंगी भगवान ने बनाया, भगवान ने ऐसा नहीं ना शुक्रा बनाया किसी को भी। भगवान ने तो कहा तेरा पहला शुक्राना जब तेरा इस दुनिया में जन्म होता है, तो आंखें खोलता है इस मनुष्य चोले में आके, वही सबसे बड़ा शुक्राना है। पर धीरे धीरे क्या होता है, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है ना, हमारी शिकायतें बढ़ती चली जाती हैं, शुक्राने हमारे खत्म होते चले जाते हैं। और शिकायतों में हमारा एक और चीजें जुड़ जाती हैं कि कैसे हमें ये चीज मिल जाए, तो चलो हम अरदास करते हैं। और मैं आपको बताऊं, जो अरदास करता है उसकी अरदास में बड़ी शक्ति होती है। आपके पास एक रुपया भी नहीं है ना, एक पैसा भी नहीं है, पर अगर आपने सच्चे मन से अपने घर में ही बैठ के, गुरु जी को नहीं चाहिए ये सब, ये तो भगवान ने इतना दिया है, तो इंसान कहता है कि तेरा दिता खावना, तेरा किया मीठा लागे, तूने दिया है तुझको अर्पण। तो वो उनकी अपनी श्रद्धा होती है कि हम 2 को बुलाएं या 200 को बुलाएं या 20 को बुलाएं। गुरु महाराज इससे कभी ऐसी चीजों से खुश नहीं होते, वो तो आप अकेले बैठ के भी अरदास कर लोगे ना उससे भी खुश हो जाएंगे। 4 लोग घर के बैठ के चुपचाप सत्संग कर लोगे ना, मन में एक अरदास, कहते हैं अरदास लगाना। वो वाली अरदास नहीं जो गुरुद्वारे में होती है, सोचो हमें अरदास ही नहीं करनी आती है, हम तो गुरुद्वारे जाते नहीं, हमें कैसे आती है, हम यूट्यूब पे ढूंढेंगे, ऐसा नहीं है। अरदास का मतलब होता है प्रे, एक प्रेयर करना। प्रेयर क्या होती है, मन के भाव होते हैं, मन में अपने जय गुरु जी बोल लो, किसी भी परमात्मा का ध्यान कर लो और उनके आगे एक अरदास कर दो कि भाई मैं आपका आज ही सत्संग कर रहा हूं या कर रही हूं, अब आपके हाथ में शुक्राना सत्संग कराना। और अगर आपको भगवान ने इतना दिया है कि आप शुक्राना सत्संग में भी 100-200 लोगों को बुला सकते हो, तो मैं तो कहती हूँ बुलाओ अरदास सत्संग करके 100 लोगों को, ना आपकी जल्दी से अरदास पूरी हो जाए और 1 महीने के अंदर ही आपका शुक्राना सत्संग भी हो जाएगा, देख लेना, इतना मालिक खुश हो जाते हैं। पर करो तो सही अरदास, दिल से किया करो, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी जो बुलवाते हैं या कहलवाते हैं, मुझे नहीं पता क्या कहते हैं, हम क्या बोलना चाहते हैं। सोच तो मैं कुछ और रही थी, क्योंकि मैं देख रही थी कि आज थोड़े से लोग, कुछ लगता है पहली बार आए हैं और जो फर्स्ट टाइम आते हैं तो उनको शायद सत्संग की मर्यादा पता नहीं होती है। तो देखो ये सामने हमने ना ये पेपर लगा रखे होते हैं थोड़े से, और छोटी छोटी चीजें जाते हुए चाहे पढ़ लेना, फोटो भी खींच लेना, अगली बार ना आपके काम आएंगी ये चीजें। कि पहला सत्संग का नियम होता है सत्संग शुरू होने से पहले, जैसे ही सत्संग हमारा शुरू होता है